सो गाइज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल द ह्यूमन नेचर के एक और खूबसूरत व्लॉग में आप सभी लोगों का थे दिल से स्वागत है दोस्तों। गाइज सुबह सुबह ये काम रहता है भाई तुम्हारे भाई का, मुर्गियों को खोलना, उनको चारा देना, क्योंकि फिर दिन भर चरते रहते हैं यार। नन्नू बेचारी यहाँ पर हो रखी बीमार। नन्नू ये देख क्या हुआ, क्या हो रहा है? अभी ठीक हुए कैसे हो? ठीक नहीं हो, क्या हो रहा है? पता नहीं। सो गाइस नन्नू की थोड़ी सी तबीयत खराब हो रही है, इसको हल्का सा बुखार भी है। बुखार है हल्का सा, पेट में दर्द। Five hours later. तो गाइस अभी फ़िलहाल मैं आ रहा हूँ भाई पिथौरागढ़ से, नन्नू की दवाई लेनी थी आज, दवाई वगैरह हमने ले ली है। मार्केट में थोड़ा सा सोचा, मतलब थोड़ा सा सोचा था, ज़्यादा नहीं। थोड़ा घूमेंगे, कुछ खाएंगे, बट क्या करें यार, मौसम ने जो सितम ढा रखा है ना गाइस आजकल, मैं क्या बताऊँ यार। सुबह तो थोड़ा बहुत मैंने व्लॉग शूट किया था, उसके बाद फिर वीडियो एडिटिंग कर रखी, मतलब मैं क्या बताऊँ यार, इतना काम हो रहा है ना मेरे लिए आजकल। नन्नू पकड़े ना, टैंक से पकड़ो। सो गाइज मैं यही कह रहा था कि इतना काम हो रहा है मेरे लिए आजकल, कभी कभी तो लगता है कि बस लैपटॉप भी मारूं अपने सर में, कैमरा भी मारूं अपने सर में, बाहर में जाए साला वीडियो वीडियो बनाना। हकीकत कह रहा हूँ यार गाइज, बहुत ज़्यादा परेशान रहता हूँ इसी टाइम में। ऊपर से आप देख सकते हैं यार, नन्नू की जैसे मैंने दवाई ली अभी पिथौरागढ़ से, तो वैसे ही मौसम ऐसा बन गया कि मैं क्या बताऊँ आपको। जैसे ही मतलब मैंने कैमरा निकालना चाहा, थोड़ा बहुत मैंने सोचा कि शूट वूट करता हूँ, इतने में ही जो है कि हवाएं, बारिश। पिथौरागढ़ में तो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, जैसे मैंने थोड़ा ये बीड़ का एरिया क्रॉस किया, बीड़ से थोड़ा आगे निकलने के बाद फिर मैंने कैमरा अटैच किया हेलमेट में। मतलब आप देख सकते हैं कितनी हवा चल रही है, लोग आ रहे हैं, देख सकते हैं आप इनके कपड़े किस तरीके से उड़ रहे हैं, ये देखो आप, तो इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि भैया मौसम का क्या मिजाज है। खैर फिलहाल के लिए भैया अपडेट ये है कि आज सवेरे शूट किया था, उसके बाद 4-5 घंटे मैंने वीडियो वो किया, एडिट किया और फाइल बनाई, क्योंकि 2-3 वीडियो मैंने एडिट करके रख दिए हैं, क्योंकि अभी क्या होता है कि भाई टाइम मिलता नहीं है मेरे को, तो इसलिए मैंने जो है कि पहले से एडवांस 2-3 वीडियो फाइल में सेव करके रख दिए हैं, ताकि आगे भविष्य के लिए वो 2-4 दिन के लिए काम आ जाए। तो ये है भाई अपडेट, और डेली अगर मैं वीडियो ना डालूँ तब भी मेरे को चैन नहीं आता गाइस, क्योंकि आप समझ सकते हैं आदत हो गई भाई आपके भाई को। या आपका भाई एक जिम्मेदार ब्लॉगर है यार, क्या करें यार, लाइफ में टेंशन तो होती ही है, बट क्या कर सकते हैं। सो वड्डा से आते वक्त तो मैंने शूट नहीं किया था कुछ भी, क्योंकि जाहिर सी बात है यार 2-3 वीडियो इससे पहले आ ही रखे हैं वड्डा से आगे के, मतलब आने समय के, तो इस वजह से मैंने शूट नहीं किया वड्डा का व्लॉग। सोचा था थोड़ा बहुत पिथौरागढ़ का मार्केट शूट करेंगे, थोड़ा जहाँ बैठेंगे, नन्नू कह रही थी रसमलाई खानी है, ये है सो है, तो कहाँ की रसमलाई यार। तो गाइस तेल हो रखा है भाई बहुत महंगा, तो इस वजह से मैं तो भाई तेल बचाने के चक्कर में न्यूट्रल कर देता हूँ यह गाड़ी, आप देख सकते हैं। तो कुछ देर के बाद आने वाली है दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक बारिश, और मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा कैमरा भीगे या कुछ ख़राब हो, क्योंकि पीछे बैठी है भैया नन्नू, और डॉक्टर ने ये बता रखा है कि नन्नू को है बुखार। नन्नू पेट में दर्द ही बताई ना? हाँ, पेट में दर्द ही बताई। सो गाइस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि भैया जो घर में छोटे बच्चे हैं अभी, खास तौर पर उनका ख्याल रखिए, क्योंकि दुनिया भर की बीमारियाँ भी आ रखी हैं, क्योंकि पानी का बदलाव हो ही जाता है यार। अभी बरसात देख सकते हैं आप किस तरीके की बरसात है, दिन में गर्मी है, सुबह ठंडा है, फिर धूप है, फिर बारिश है। नन्नू अच्छे से बैठो आप, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ तो गाइस मैं ये कह रहा था कि देख सकते हैं आप अभी
जिस तरीके का मौसम परिवर्तन हुआ है यार, तो इससे जो बच्चों की बॉडी होती है ना वो एकदम से इफेक्ट होती है, क्योंकि नाजुक शरीर होता है बच्चों का, है ना। तो बच्चों का भैया खास ध्यान रखें आप। तो डॉक्टर ने यही कह रखा है कि ठंडा वंडा ना खिलाएं बच्चों को, भी गर्म पानी पिलाएं, क्योंकि अगर ठंडा पानी भी पिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो बरसात के भी कीटाणु है ना वो पेट में चले जाते हैं, तो बच्चों का हाजमा मतलब उन चीज़ों को पचा नहीं पाता है ना यार, कमज़ोर हाजमा होता है बच्चों का। तो इस वजह से गाइस अपडेट ये है आपके लिए कि छोटे बच्चों का इस मौसम में विशेष ध्यान रखें, क्योंकि तुरंत तबीयत ख़राब हो जा रही है मतलब उनकी एकदम से। बाकी क्या बताएं यार, ऐसा ही है, कुछ मौसम ने मारा, कुछ किस्मत ने मारा, इसलिए एक शेर अर्ज है गाइस ना, कुछ मौसम ने मारा, कुछ किस्मत ने मारा, गैरों ने कम, हमें तो अपनों ने ज़्यादा मारा। क्या करें यार, दिल को बहलाना पड़ता है ना, आप समझ सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी रुकने का नाम नहीं है गाइस, ज़िंदगी है चलते रहने का, आगे बढ़ते रहने का, जीते रहने का। तो गम हो, टेंशन हो, खुशी हो, कुछ भी हो यार, अपना दिल लगा के जियो, बढ़िया तरीके से लाइफ को एंजॉय करो, है नन्नो। नन्नो क्या हम सही कह रहे हैं? नन्ने भी कह रही कि सही कह रहे हैं, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक है ठीक है, दिक्कत तो कुछ नहीं है ना, हैं? दिक्कत हो रही है? हाँ तो ठीक है। सो भाई नन्नू को दिक्कत नहीं हो रही अभी, और अभी घर पहुंच के भी मैं आपसे बात करूंगा दोस्तों। आज देखिए आदमी कहता ना यार, वीडियो बनाना, वीडियो को एडिट करना, है ना, यानी कि यूट्यूब की जो एक परंपरा है ना उसको समझता है कि बहुत इजी है। अरे क्या है यार, वीडियो तो बनाना है, अपलोड ही तो करना है। तो जब तक मेरा चैनल नहीं था ना, जब तक चैनल नहीं था और जब तक मेरे को YouTube में कम से कम 2 ही महीने हुए थे, तब तक मेरे लिए भी जो है कि एक मजाक ही था। मैं भी सोचता था कि अरे कोई बड़ी बात थोड़ी ना है यार, वीडियो बनाना है और नन्नू टेंशन पकड़ना है, वीडियो बनाना है, वीडियो को एडिट करना है, फिर अपलोड ही तो करना है। बट यार एक्चुअली क्या है ना, अगर YouTube को आपने ज़िम्मेदारी से निभाना है तो इसको आपने टाइम देना पड़ेगा, और इसको आपने टाइम देना है तो भाई आप ये समझ सकते हैं कि आपको नींद आ रही है, आपका एडिट करने का मन नहीं है, आपका शूट करने का मन नहीं है, लेकिन अगर आप एक ज़िम्मेदारी तरीके से YouTube को निभाना चाहते हैं ना, तो उसके लिए आपने भैया 24 घंटे काम करना पड़ेगा। और YouTube की नौकरी ऐसी है जिसमें आपने 24 घंटे काम करना पड़ता है। देखो आपने कंटेंट सोचना पड़ता है, आपने फिर उस कंटेंट में वीडियो को आपने जो है कि एडिट करना पड़ता है, पहले तो शूट करना हुआ, कंटेंट हुआ, कंटेंट तैयार करोगे, ठीक है ना, उसके बाद शूट करोगे, उसके बाद फिर एडिट करोगे, उसके बाद एडिट करने के बाद उसको अपलोड करोगे, है ना। तो अपलोड करने जब तक मतलब जनता के पास वो वीडियो नहीं पहुंचता है, तब तक के लिए जो है कि ये मान के चलिए नौकरी ख़त्म नहीं होती है। और जैसे ही वो वीडियो हम जनता के पास पहुंचाते हैं तो उसके बाद समझ लीजिए दूसरी नौकरी, और दूसरी नौकरी कहने का मतलब फिर कंटेंट सोचो, फिर शूट करो, फिर एडिट, तो ये चीज़ें चलती रहती है यार। तो इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों को जब हम देखते हैं, हम कहते हैं ना यार उतना सक्सेस है। अभी सौरभ जोशी देख लो आप, कई लोग हेटर भी हैं उसके, ना कितना हेट फैलाते हैं। तो यार ये नहीं देख रहे हैं कि बंदे ने 4-5 साल मेहनत कर रखी है, कंटिन्यू सुबह 8 बजे बंदा मतलब वीडियो अपलोड कर रहा है, ये किसी को भी ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है गाइस, ये बात तो आप लिख के ले लीजिए। मुझे भी 1 ही साल हो रखा है यूट्यूब में काम करे करे, और मैं सब कुछ समझ के आऊँ, है ना। तो यूट्यूब में सफल होने का जो राज है ना वो आप के खुद के अंदर है, कोई ऐसी कला नहीं है जो मतलब आपको YouTube में सफल कर दे, बस एक ही कला है कि आपने 100%, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 101% आपने टाइम देना पड़ेगा YouTube में। और आपको थकाई लग रही है, आपको बुखार है, आपको शूट करने का मन नहीं है, मतलब आप कैसी भी कंडीशन में, अगर आपने ये सोचा है कि नहीं यार YouTube में जो है कि आज मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, मैं कल डालूँगा, आज मेरी तबीयत ख़राब है, तो ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं काम चोरी हो रही है दोस्तों। तो ये वो नौकरी है, 24 घंटे की जॉब है YouTube, खुद मेरा पर्सनल ये सोचना है। तो
जो हम इतने बड़े बड़े यूट्यूबरों को देखते हैं, तो उन्होंने भी बहुत मेहनत कर रखी है, बहुत पापड़ बेल रखे हैं और अभी भी कंटिन्यू कर ही रहे हैं। तो ये कहना उचित नहीं होगा कि यार उनको बैठे बिठाए सक्सेस मिल गई है, हड्डियाँ रगड़ रखी उन्होंने यार अपनी, तब जाके वो आज इस मुकाम तक पहुँचे हैं गाइस। तो बाकी अब अपडेट ये है कि हम पहुँचने वाले हैं वड्डा, और ये भैया हम जा रहे हैं अभी भोड़कन्ना की तरफ, क्वार्टरों के बीच में सीधी सी रोड, और पेड़ देख सकते हैं आप किस तरीके से हिल रहे हैं, और अरे मल्ली छा शेलक जंगल, शेलो को जंगल में मच्छी खाए बेरा, मच्छानी है खा बेरा शेला का जंगल में। पहले क्या होता था ना गाइस, हम लोटवा हटवा को मतलब गिलास लोटा लुटिया कहते हैं, लुटिया भी कहती हैं, तो उसमें हम क्या करते थे कि मच्छानी तोड़ने जाते थे, मच्छानी है, मच्छानी क्या होती है ना गाइस, जैसे छोटी छोटी चेरी नहीं होती हैं, तो चेरी की तरह होती हैं वो। तो यहाँ से हम ऊपर तक जाया करते थे गाइस जंगल की तरफ, तो मच्छानी खाते थे हम। तो एक आध दिन जब हमें भालू दिखा ना, तो मच्छानी खाना ही छोड़ दिया हमने, मतलब मच्छानी खाना क्या छोड़ा, हमने सब कुछ ही छोड़ दिया, मच्छानी सालू खूब खा रखे हैं जंगल में हमने गाइस। और अभी तो फिलहाल बहुत ही घासी जंगल हो रखा है, देख सकते हैं आप नीचे क्या ऊपर क्या। नन्नू ओके ओके रिपोर्ट है, ओके रिपोर्ट है ना आपकी, ठीक ठाक हो? हाँ ठीक है, चक्कर तो नहीं आ रहे हैं? चलो अब पहुँच ही गए हैं, टैंक से पकड़ो आप बस। हाँ ऐसे बहुत ज़बरदस्त हवा चल रही है यार गाइस, हेलमेट के अंदर भी आ रही होगी, वाइज़र मैंने लगा नहीं रखा है, क्योंकि भाई वाइज़र लगाऊंगा तो फिर मेरे को कुछ दिखेगा ही नहीं। तो नन्नू तो बीमार हो रही है, साथ में कहीं मैं भी बीमार ना हो जाऊँ, फिर वाइज़र लगा के दिखेगा ही नहीं कुछ, क्या वाइज़र लगाऊँ यार। तो देख सकते हैं गाइस जिस तरीके से यहाँ पर बच्ची बैठ रखी है ना ये पीछे स्कूटी में, वैसे मेरे पीछे नन्नू बैठ रखी है एकदम चिपक के बंदरों की तरह। सो हमारे आगे चल रही है भैया पिथौरागढ़ डिपो की रोडवेज उत्तराखंड परिवहन निगम। तो इस रोडवेज को देखकर एक ही चीज़ याद आती है मेरे को कि यार जाने कहाँ गए वो दिन जब हम इन रोडवेजों में यात्रा करते थे। तो गाइस जब भी मैं मतलब पिथौरागढ़ से बाहर गया हूँ टेस्ट देने के लिए, तो इन रोडवेजों का ही मैंने जो है कि इन रोडवेजों का क्या यार, इन रोडवेजों में मतलब खूब यात्रा की है, प्रयोग कहाँ मैं ड्राइवर जो क्या था यार जो प्रयोग करूँगा, यात्राएँ की मैंने रोडवेजों में और खूब किए हैं, तब आके खूब मज़ा आता था यार, खिड़की वाली सीट में बैठो, आहा टनकपुर से आगे पहुँचो, उसके बाद प्लेन्स का सीन देखो, आहा सीधी सीधी रोड देखो, क्या मज़ा आने वाला था यार, रंगत आने वाला ठहरी। तभी तो कह रहा हूँ जाने कहाँ गए वो दिन। सो गाइज अब हम पहुँच चुके हैं भैया अपनी प्यारी वड्डा में, प्यारी प्यारी वड्डा में पहुँच चुके हैं अब हम, तो रोड वे से लेते हैं अभी हम पास, ये अभी जाएगी झूलाघाट, और ये आ रखी है दोस्त देहरादून से, और थोड़ी देर में आएगी एक दिल्ली से भी आती है शायद, तो ये देहरादून की रोड पे जाए, देहरादून टू झूलाघाट, झूलाघाट कह सकते हैं आप, क्योंकि लास्ट झूलाघाट ही हुआ, उसके बाद तो फिर नेपाल पड़ जाता है। सो गाइस अभी जो है कि भैया नन्नू को दवाई खिलाते हैं, और जो फल फ्रूट लाए हैं वो खिलाते हैं इसको। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ नहीं, बारिश आएगी, हवा देखो आप कितनी चल रही है। सो गाइस अब हम पहुंच चुके हैं अपने घर में, वो तो अच्छा हुआ कि बारिश के आते नहीं पड़े, क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश आई रही थी, फटाफट डॉक्टर साहब मिल गए और काम हो गया। चलो नन्नू हाँ पुत्रो और घर में जाओ, मैं आ रहा हूँ, हाँ आराम से जाना सब पास।
सो गाइस ननू निकाली अपनी दवाई, तो इसमें थी शायद, इसमें थी हाँ ये, तो क्या क्या लाए हम इसमें भैया, लीची नन्नू के लिए, लीची, ये अंगूर, और अंगूर देखो दोस्तों मैं किस तरीके के लाया हूँ यार, आज एकदम लंबे लंबे वाले अंगूर हैं ये, तू खा जाते बताता है कैसे। अच्छा तो कैसी है दवाई नन्नू की, जो अभी हम फिलहाल लेके आए पिथौरागढ़ से। सो ताज़ा अपडेट ये है गाइस कि हम बिना भीगे घर तो पहुंच गए हैं, लेकिन अब हमें भीगने से कोई नहीं बचा सकता क्योंकि बारिश स्टार्ट हो चुकी है। किस्मत अच्छी रही कि टाइम से हमें डॉक्टर भी मिल गए, टाइम से हमने दवाई भी ले ली, और ज़्यादा हमने सूट पिथौरागढ़ में किया भी नहीं, और हम आ गए हैं पटना अपने घर। सो ठीक है फिर, आई होप कि आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तो मिलते ऐसे किसी खूबसूरत से प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए रखे मैं, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।